क्योंकि ये जानकारी हर एक दिल्ली के पत्रकार को हो, चाहे प्रेस क्लब हो या एनयूजे हो या और भी जितने भी संस्थाएं हैं, सबकी निगाह यहाँ पे लगी हुई है। अगर आप फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसकी रिपोर्ट पल पल की आपके पास जा रही है और पूरे देश तक जा रही है और यहाँ से फेसबुक लाइव भी होने वाला है, ये हमारे लिए धरना स्थल जो है वो एक उत्सव का कैसे रूप लेगा, यही हमें आज तय करना है। हमारा उत्सव जो है वो आज यहाँ जंतर मंतर पर कैसे बनेगा, ये एक एक पत्रकारों की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी तभी हमारे अंदर आ सकती है जब हमारी सोच सकारात्मक होगी। हमें एक भी पॉइंट, एक एक पत्रकार 10-10, 20-20 हजार, 1-1 लाख के बराबर होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी शक्ति कितनी है। यहाँ पर जो समर्थन मिला है वो बहुत सारे एसोसिएशन का समर्थन मिला हुआ है, और आप जानते हैं कि एक एक एसोसिएशन के जो डायस पे बैठे हैं, प्रेसिडेंट, महासचिव, अन्य प्रदेशों से जो आए हैं, वो अपने आप में एक स्तंभ है। इसको किस तरह से हम लोग जो है सरकार तक इन बातों को पहुंचा सकते हैं, एक एक आदमी अगर इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार तक ये जानकारी पहुंचा देना कि इन बातों को अभी मान लेने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत इसकी बहुत पहले हो गई थी। 30 जून को जब हम लोग रकाबगंज गुरुद्वारे में महापंचायत, ये महापंचायत की कल्पना भी नरेंद्र भंडारी जी की एक अपनी सोच है, वो कोई भी चीज छोटी नहीं करते हैं। महापंचायत, 300 पत्रकार आए थे, बंडारू दत्तात्रेय उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री जी वो आए थे, और उन्होंने घोषणा भी की थी कि नया मीडिया आयोग शीघ्र बनेगा ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे ऑन रिकॉर्ड, उन लोगों ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बहुत जरूरी है, शीघ्र ही दी जाएगी। इसके बाद खतों किताबत होती रही, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जो भारतीय मजदूर संघ, जो 2 करोड़ लोगों की संस्था के साथ आप हम सब जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 करोड़ लोग आपके साथ हैं। जब मंत्रालय में पत्र भेजा गया और इस पर काफी जद्दोजहद, कई मीटिंग्स हुई कार्यकारिणी की, उस मीटिंग्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है, जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, ये सारे विजन लेकर एक पीड़ा मन में थी कि आखिर सरकार हमारी बात सुनती क्यों नहीं है। तो हुआ कि चलो पत्रकारों से पूछा जाए कि पत्रकार चाहते क्या है। एसोसिएशन तो आ जाता उस समय भी, हम यहाँ पे उस समय भी आ जाते, लेकिन सरकार को मौका देना बहुत जरूरी था। और ये 2017 का 30 जून, उसके बाद आ गया 2018, 2018 की 23 जुलाई दिन चुना गया, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हुआ दिन। ये देखिए, ये देश आजाद हो गया किस मकसद से हुआ था, इसी मकसद से हुआ था कि हमारा भारत, भारतीय खुशहाल होंगे। तो भारतीयों की पीड़ा दूर करने वाला जो चौथा स्तंभ, सो कॉल्ड, तथा कथित लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जाने वाला ये जो चौथा स्तंभ, भूल भुलैया में पत्रकार बटते गए और बांटा गया, हमारी पीड़ा एक जगह इकट्ठा होकर नहीं आई। इसलिए 23 जुलाई को सड़क पे बैठना पड़ा, एक पत्रकारों को सड़क पे बैठना पड़ा, आईटीओ जो प्रेस एरिया है वहां पर शहीद स्मारक के सामने टेंटों पे, उस गर्मी में 23 जुलाई आप समझ सकते हैं, और सैकड़ों पर पत्रकार एनसीआर दिल्ली से वहां पहुंचे, और वहां की पीड़ा भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुना, बहुत गंभीरता से लिया। वहां भारतीय मजदूर संघ के बड़े बड़े 3 नेता आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां पर आना और इस जो खुली चर्चा थी उसको समर्थन देना अपने आप में
पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ कि 2 करोड़ की संस्था भारतीय मजदूर संघ, जिसका आप झंडा देख रहे हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ का ये ट्रेड यूनियन है, पत्रकारों का पहला ट्रेड यूनियन है। इसलिए हमारी शक्तियां कम नहीं है, 2 करोड़ लोग हम लोगों के साथ हैं। ये डिसीजन केवल वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का नहीं है, ये डिसीजन भारतीय मजदूर संघ का है, सहमति से हो रहा है। क्योंकि सर से जब पानी गुजर जाता है तो भारत की जनता इतनी प्यारी है कि वो आपका साथ देने के लिए तैयार है। 23 जुलाई को धरना में आक्रोश प्रकट किया गया, सरकारों होश में तो आओ, वंदे मातरम के नारे लगे। ये वंदे मातरम इस देश को अगर आजाद करा सकता है तो ये पत्रकारों की पीड़ा को भी आजाद करा देगा, पत्रकारों की पीड़ा मुक्त करा देगा। सरकारों को जगाने का मंत्र जो है फिर ये महाधरना के रूप में आया, क्योंकि सुनवाई ही नहीं हो रही है, न दिल्ली सरकार या कोई भी प्रदेशों की सरकार। भाई पत्रकार क्या है? आप लोग जितना काम करते हैं, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को समझता है, हमारे अंदर जो एक दूसरे की शिकायत करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अब प्लेटफॉर्म बन चुका है, अगर लड़ाई शुरू हुई है तो अंजाम तक पहुंचेगी, ये तो नरेंद्र भंडारी और अनूप चौधरी जी के नेतृत्व से पता चलता है, जिन्होंने पूरे विश्व में इतिहास बना दिया कि देश भर के 25,000 पत्रकार अगर एक ही मंच पे आ सकते हैं भारत के, तो ये एक अपने आप में अनूठा प्रयास है। बेशक उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, बावजूद उसके उनकी जिंदगी में क्या है, एक रिटायर्ड आदमी है, दोनों के दोनों हमारे महासचिव और राष्ट्रीय, हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं उदय कुमार मन्ना, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर, 25 सालों से रेडियो की सेवा करता रहा हूं, कर रहा हूं, लेकिन जब से ये लोग मुझे प्रवक्ता के रूप में, प्रचार सचिव के रूप में इस प्लेटफॉर्म पर ले आए, हमारे अंदर जो है ना अपने पत्रकार भाइयों की पीड़ा जग गई। उस पीड़ा ने ऐसा मुझे कर दिया कि 1-1 बजे रात तक जगना मेरे लिए एक आम बात हो गई। मुझे लगा कि नहीं, ये काम होना चाहिए। AIR काकू आकाशवाणी के एसोसिएशन ने मुझे जोड़ने की कोशिश की, मैंने कहा मैं सोशल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उसमें एक ही छत के नीचे तो सारे हैं, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, मैंने कहा मैं दूर रहकर पूरा समर्थन दूंगा। तो AIR काकू आकाशवाणी के एसोसिएशन भी आएंगे, आकाशवाणी इतना बड़ा संस्थान है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको कैजुअल अनाउंसर कंपियर्स का है, 25 साल 30 साल, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने टेलीविजन चैनल में कहा 25 साल 30 साल हो गए, लोगों का भविष्य नहीं है। अरे क्या अंधेर कर दी है, इतनी बड़ी ताकत जनता, भारत की जनता का दुख दर्द दूर करने वाले लोगों की पीड़ा हमसे तो नहीं देखी जाती, हम तो सड़कों पर आ गए, अब इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती है। अभी जरूरत है एयर कंडीशन से निकल के पत्रकारों को बाहर आने की, क्योंकि अगली पीढ़ी का अंधकारमय भविष्य नहीं होगा, इसकी गारंटी यहां से लेके जाइए। जब तक भंडारी जी के खून में ब्लड है शरीर में, तब तक आप समझिए कि यह लड़ाई चलती रहेगी, सरकार झुकेगी, पत्रकार नहीं झुकेंगे। किसने झुकेंगे? अरे हमने अपने कंफर्ट को त्याग दिया, हमने अपने कंफर्ट को त्याग दिया, सड़क पे आने का यही मतलब है। हमें नहीं चाहिए कोई फीएट गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी है BMW चाहिए और वो उसमें घूमने वाले पत्रकार, हम नहीं, और हम नहीं चाहेंगे कि पत्रकार जो है वो इस तरह के बने। पत्रकार आम भारत जो है 70% तो किसान है। हर विषय पे समाचार देने के लिए प्रण कीजिए, हर विषय पे समाचार देंगे, देखिए भारत की जनता आपको कितना समर्थन देती है, कितना प्यार करती है। भारत की जनता तो मुख्यमंत्री बना देती है एक झटके में आपकी बदौलत। तो आपकी पीड़ा एक बार जिस दिन आपने एक मंचों की लड़ाई छोड़ दी, उसी दिन आपको आपकी मतलब की चीजें मिलेंगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। यहाँ पर हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि जो आपकी पीड़ा थी वो यहाँ बताना बहुत जरूरी था। मुझे लगा कि ये पीड़ा सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे सभी पत्रकार भाइयों की है। हमारे बीच बहुत गणमान्य अतिथि भी आने वाले हैं, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी आने वाले हैं,
इससे पहले हम चाहेंगे कि अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनूप चौधरी जी, वो आपको थोड़ा सा इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों की जो एजेंडा है